हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू S&P Finserv। दोस्तों ये हमारा चैनल है और अगर आपका अलाइज ब्लू में अकाउंट नहीं है तो आप यहां जाकर हमारे चैनल पे यहां क्लिक कर सकते हैं। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, स्टेट एंड मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर मुझे करेंसी में ट्रेड करना है तो मेरे अकाउंट में कितना मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर आपने अलाइज ब्लू में अकाउंट ओपन नहीं किया तो अलाइज ब्लू में अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि अलाइज ब्लू में मार्जिन के लिए, करेंसी के लिए सबसे कम मार्जिन लगता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि करेंसी के लिए हमको यहाँ पर 10 times लिमिट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में कितना मार्जिन होना चाहिए हमारे अकाउंट में अगर हम करेंसी में ट्रेड करते हैं। तो ये है हमारा अलाइज ब्लू का अकाउंट, तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, ये सबसे पहला है हमारे पास में USD INR। ठीक है, तो आइए सबसे पहला यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं हम आईएस में। ठीक है दोस्तों, और ये मैं बाई पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखते हैं दोस्तों कि अगर मुझे USD INR अगर बाई करना है तो मेरे अकाउंट में देखिए खाली 226 रुपीज़ मार्जिन होना चाहिए। तो सबसे कम मार्जिन लग रहा है हमें अगर USD INR में अगर ट्रेड करना हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा करेंसी देख लेते हैं, वो है हमारे पास में EURINR। तो EURINR देख लेते हैं कि अगर मुझे बाई करना है तो मार्जिन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, EURINR अगर आपको परचेस करना है तो आपके अकाउंट में होना चाहिए खाली 296 रुपीज़, मतलब लेस देन 300 रुपीज़ में आप इजिली EURINR में भी ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा करेंसी देख लेते हैं, वो है GBP INR। तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ MIS में कितना हमको मार्जिन चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, अगर मुझे GBP INR में ट्रेड करना है तो मेरे अकाउंट में खाली होना चाहिए 427 रुपीज़, मीन्स ऑलमोस्ट 450 के अंदर में मैं एक GBP INR बाई कर सकता हूँ। और आखिरी जो हमारा करेंसी है वो है JPY INR। ठीक है दोस्तों, तो MIS में देख लेते हैं कितना मार्जिन लगता है। ये देखिए, ऑल ओनली 316 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप इजीली करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। हमारे इंडिया में 4 currency में ट्रेड होता है, एक USD INR, दूसरा EURINR, तीसरा GBP INR एंड चौथा है JPY INR। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि USD के लिए हमारे अकाउंट में होने चाहिए 226 रुपीज़, यूरो में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मेरे अकाउंट में होना चाहिए 296 रुपीज़, और GBP में मुझे ट्रेड करना है तो 427, और लास्ट में जापानीज येन में अगर ट्रेड करना है तो 316 रुपीज़, मीन्स 500 रुपये के अंदर आप इजीली कोई भी करेंसी में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। USD INR की खासियत ये है कि अगर USD INR में 1 rupee अगर चेंज होता है तो आपको 1000 rupees का प्रॉफिट हो सकता है, 1000 rupees का लॉस हो सकता है। तो इमेजिन कीजिए, 250 रुपीज़ अगर आपका लग रहा है खाली और 1 rupee अगर ऊपर चला गया तो आपको सीधा 1000 rupees का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग लिंक, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये पेज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो ये लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आई विश यू ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। थैंक यू सो मच।